ये एक अंदर छोटी सी कुटिया है। और ये देखिए, ये वही दिव्य गुफा है जहां बाबा। तो व्यक्ति कौन था ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बरसाने से भगवान मुझे बुला रहे हैं। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर आपको ऐसे दिव्य स्थान की यात्रा पर लाया है जो अपने आप में बड़ा ही अलौकिक स्थान है। इस स्थान को सखीगिरी पर्वत कहा जाता है, जो कि हमारी राधा रानी की जो सखी हैं, सर्वश्रेष्ठ जो सखी हैं श्री ललिता जी, उनका गांव है ऊंचा गांव। ऊंचा गांव में यह स्थित है सखीगिरी पर्वत। यहां सखीगिरी पर्वत की तलहटी में एक ऐसे दिव्य और अद्भुत संत विराजते हैं। आज हम आपको उनके दर्शन के लिए लेकर के आए हैं। कहते हैं कि ऐसे संतों के दर्शन प्राप्त करने के बाद जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों के जीवन के विषय में जानते हैं और कैसे श्री जी ने उनको प्रेरणा दी और कैसे अपने निज चरणों में बास दिया। तो आइए हमारे साथ और दर्शन कीजिए उन संत भगवान के। एक बार यहाँ की आप सौंदर्य देख लीजिए, प्राकृतिक सौंदर्य, हरा भरा वातावरण और बड़ा ही शांति का स्थान। ऐसे ही गुप्त स्थानों पर संत रह करके यहाँ भगवत चिंतन किया करते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं संत भगवान की कुटिया के मुख्य द्वार पर। आइए प्रवेश करते हैं। जय हो महाराज। अब हम पहुंच गए हैं कुटिया के अंदर और अब दर्शन कराते हैं आपको संत भगवान के। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे बाबा। जय श्री राधे। प्रभु सबसे पहले आप अपना श्री नाम बताएं। कपिलपुरी। कपिलपुरी बाबा। महाराज जी आप कितने समय से इस स्थान पर रह रहे हैं? लगभग 15 साल हो गए। 15 साल से। महाराज जी किशोरी जी ने कैसे आप पे कृपा की हमारे भक्तों को आप बताएं, कैसे यहाँ पहुँचे आप और पहले कहाँ रहते थे और यहाँ आकर के आपको कैसे आनंद की प्राप्ति हुई और कैसे आप यहाँ के ही रहकर बन करके रह गए? ये तो अपना पूर्व प्रारब्ध है, जिसके नसीब में जहाँ रहता है जी, वो वहाँ पहुँचने पर शांत हो जाता है उसका मन। इसलिए किशोरी जी के स्थान पे आने के बाद मेरे मन को परम शांति प्राप्त हुई, पहले से ही मुझे प्रतीत था जी। इसके पहले मैं हरिद्वार में था जी, रंजनी पंचायती अखाड़े में। बरसाना आने से पहले आप हरिद्वार में विराजते थे। हाँ। वहाँ कितने समय रहे महाराज आप? हरिद्वार कुछ समय रहा, गुरु अखाड़ा है मेरा वो जी। फिर वहाँ से पुष्कर राज चला गया था जी। पुष्कर राज के बाद चित्रकूट, छत्तीसगढ़ इत्यादि बहुत जगह भटका, दर्शन करने के लिए भी, वैसे भी भ्रमण करने के लिए, पर मन को शांति कहीं नहीं मिली। सेतुबंध, रामेश्वरम इत्यादि जी, मारे जगन्नाथ इत्यादि सब जगह गया। फिर आप बरसाना कैसे पधारे प्रभु? बरसाना समझो किशोरी जी ने मुझे बुला लिया। जय हो प्रभु। तो कोई ऐसी घटना आपके साथ हुई जो आप बरसाना आने के लिए प्रेरित हुए, तो वो हमारे भक्तों को आप बताएं। हाँ, एक भक्त, एक जगह मैं छत्तीसगढ़ में रहता था, देवी जी की पूजा करता था जी। तो एक बरसाने से एक भक्त गया मेरे पास जी। उसने मुझे बरसाने के विषय में बताया, वृंदावन के विषय में जी। और उसने कहा कि आप अगर वहाँ पधारेंगे तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूँगा जी। तो व्यक्ति कौन था ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बरसाने से भगवान मुझे बुला रहे हैं। जय हो। आश्रम का नाम भी उसने मुझे बताया था जी, पर फिर मैं वो सब भूल गया। बरसाना मुझे याद रहा, मैं बरसाना आया। अब बरसाने आने के बाद में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब मुझे यही रहना है 84 को। महाराज जब आप बरसाना आए तो वो व्यक्ति आपको यहाँ मिला? नहीं, वो मुझे नहीं मिला। वो मुझे कहाँ बुलाया था वो भी मैं भूल गया। वो हमारी किशोरी जी ही वहाँ बाबा के पास पहुँची थी उस रूप में, और जो बाबा को बुला करके, और फिर उसको दर्शन आपको, बाबा को कभी यहाँ बरसाना में हुए ही नहीं, और बाबा यहाँ आ गए किशोरी जी के चरणों में और यहीं के होकर के रह गए। फिर बाबा कहीं गए ही नहीं, पिछले 15 सालों से बाबा यहाँ सखीगिरी पर्वत के तलहटी में रह करके भगवत आराधना किया करते हैं। ऐसा दिव्य जीवन है हमारे संत महापुरुषों का, और ऐसी कृपा है हमारी किशोरी जी की। जीव जहाँ भी कहीं रहे
वहीं से किशोरी जी उसको बुलवा लेती हैं, वहीं कृपा करती हैं उसके ऊपर। कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, महाराज जी के चरणों में मैंने निवेदन किया और महाराज जी ने मेरे निवेदन को स्वीकार कर लिया। आप भी आनंद लीजिए, उस दिव्य आनंद को महसूस कीजिए घर बैठे जो संत भगवान यहाँ लेते हैं। अभी आपने सुना महाराज जी कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं, और हमारी राधा रानी को भी बांसुरी अत्यंत प्रिय है, और हमारी किशोरी जी की जो सेवा करते हैं बाबा इसी बांसुरी के माध्यम से किया करते हैं। हमारी लाडली जी को प्रसन्न करने के लिए बाबा बांसुरी से हमारी किशोरी जी की सेवा किया करते हैं। महाराज जी एक अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे भक्त परकर को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? भक्त को क्या संदेश दूं भाई, भक्ति जो करेगा वही संदेश है, और क्या संदेश है। भगवान का आराधना करे, इससे परम शांति मिलती है मन को। महाराज ये संसार से पार होने के लिए कोई सरल उपाय हमारे भक्तों को आप बताएं, जो जीव उसका आश्रय लेकर के और इस संसार से पार हो जाए। संसार से जो पार जाना चाहे जी, तो जो जाना नहीं चाहता तो क्या बताओगे, जो जाना चाहता है उसको भगवान का आश्रय लेना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि जो संसार से पार जाना चाहता है वो हमारे किशोरी जी के चरणों का आश्रय ले ले, इससे सरल कोई रास्ता है ही नहीं। महाराज जी एक बार अपनी कुटिया आप दिखा दीजिए। अब मैं आपको एक बार बाबा की कुटिया के दर्शन कराता हूँ कि कैसा निर्मल और सहज जीवन है इन संत भगवान का। देखिए कोई भी बाहरी आडंबर बाबा की कुटिया में नहीं है। यह देख रहे हैं आप, जैसे कि ये दो तीन वस्त्र आदि महाराज जी के जो पहनने उड़ने के हैं वही दो तीन वस्त्र हैं, और महाराज जी यहाँ एक छोटा सा चूल्हा भी रखा हुआ है जहाँ पर अपने भगवान के लिए भोग बनाया करते हैं, और उसी भोग को प्रसाद स्वरूप बाबा ग्रहण किया करते हैं। और ये दो चार बर्तन हैं महाराज जी के, बहुत ही साधारण और निर्मल जीवन। और अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये एक अंदर छोटी सी कुटिया है, यहीं से बाहर से देखा। देखिए बाबा कैसा साधारण जीवन जीते हैं, और रात दिन भगवत आराधना। ऐसे संत भगवान समस्त संसार के मंगल की कामना के लिए दिन रात भगवत आराधना किया करते हैं। कोई बाहरी आडंबर नहीं, बाबा के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं।
अब मैं आपको एक और दिव्य चीज दिखाने जा रहा हूँ, उसके भी आप दर्शन कीजिए। बाबा की एक यहाँ दिव्य गुफा भी है जिसमें बाबा बैठ करके हमारी किशोरी जी का भजन किया करते हैं, आपको उसको भी दर्शन कराते हैं। आइए, और ये देखिए, ये वही दिव्य गुफा है जहाँ बाबा बैठ करके किशोरी जी का दिन रात चिंतन किया करते हैं। ऐसे संतों का जीवन वास्तव में धन्य है। ये देखिए, बड़ी ही दिव्य और शांति की जगह, बाहर का कोई भी यहाँ व्यवधान नहीं आ सकता और बाबा यहीं बैठ करके दिन रात भगवत आराधना किया करते हैं। अब मैं आपको भगवान के ठाकुर जी के भी दर्शन करा देता हूँ। ये हमारे गोपाल जी, बाबा इनकी सेवा पूजा दिन रात किया करते हैं। आप जब भी बरसाना पधारें, ऐसे संत भगवान के दर्शन जरूर करें ताकि अपने जीवन को धन्य बनाया जा सके और आपको भगवान ने जिस भी सेवा के लायक बनाया है, ऐसे संत भगवानों की आप सेवा जरूर किया करें। यह केवल संसार की मंगल कामना के लिए, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से यह दिन रात भगवान चिंतन किया करते हैं। इनको कोई ना मोह है ना कोई माया है, चिंता है तो केवल अपनी किशोरी जी की, कि कैसे किशोरी जी को प्रसन्न किया जाए और क्या चीज़ उनके लिए की जाए। दिन रात भजन, कभी बंसी बजा करके, कभी माला लेकर के, इनको केवल चिंता है तो समस्त संसार की, कि किशोरी जी आप समस्त संसार के ऊपर कृपा करो। तो ऐसे संतों का जब भी आपके जीवन में मौका आए तो जरूर सेवा किया करो। अगर आपको भगवान ने सेवा के लायक बनाया है तो ब्रज में आकर के ऐसे ब्रज के महान संतों की सेवा जरूर करनी चाहिए। हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में जो घंटी का बटन होता है उसको आप दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी के बटन को जरूर दबाया करें ताकि आपके पास तक ऐसी दिव्य और अनोखी वीडियो पहुँचती रहें। मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।